हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम राइटर ओडिया। तो बहुत दिन पर वीडियो स्टार्ट होची, पाखापाखि 110 दिन पर आउ फास्ट वीडियो मु आपण मानन पई बनौची, जोटा कि आपण मान को रिक्वायरमेंट थिला जे केदारनाथ जिबा पई बाइक रे। तो रूट कोटा बेटर रहइबो आउ केते किलोमीटर डिस्टेंस रहइबो, कोठु को केते बाट गोटे दिन रे कवर करि हबो, रास्ता कोटा भलो आउ केते दिन लागिबो, जहाँ भी विषय मत पचारे तो ताऊपर मुझे भिडियो बनाऊँ। तो लास्ट पर्यंत देखो, तो आराम से जानजे कौ रूटा बेटर आप हम। तो स्टार्ट करेंगे भिडियो। तो गाइस, खास करके केदारनाथ बद्रीनाथ जावाई तीन टा रूट, तो तीन टा रूट हूँ तीन टा रूट्रु आम खास कर पूरा जदि फुल आपएच जावाई चाहते पूरा फुल एनएच, तो से रूटा हूँ आमर भाई रांची रांची टू ग्रांड्रक रोड जी जी फुल एनएच से सिंगल रोड भी ना, जस्ट सिंगल रोड अच्छे कौटू आमर केन्दूर क्रस कलापर केन्दूर रू रांची पर्यटन जस्ट टे सिंगल रोड पड़ो, बट एत भी गहली नुह से रोड सिंगल देन तापर सब जगह पूरा टोटाल दिल्ली हरिद्वार जाए पूरा एनएच। तो सहीटा हूँ गोटे रूट जोटा आपण मानी स्पीड बाइक से बेटर रांची रोडटा, यदि आप स्पीड जावाई चाहते तेल रांची रूट हूँ सब बेटर आ रास्ता भल। ओके, देन सेकेंड रूट है आमर भाया जबलपुर मैंने बिलासपुर जबलपुर आमर झांसी झांसी है आप दिल्ली जदि जी से सेकेंड बेटर रूट है जबलपुर झांसी। ओके, थर्ड रोड है भाया अंबिकापुर, जो रोड रे फास्ट जाइली केदारनाथ से जाइली से रोड रे जाइली अंबिकापुर रोड रे, अंबिकापुर रोड रे कौन ना टिके रोडटा आपको डिस्टेंस कम पड़े आई जा फास्ट बद्रीनाथ। तो ये भिडियोटा मुझे बनाऊँच फास्ट आप केदारनाथ केदारनाथ रु आप बद्रीनाथ आसवे तेनाली टे रास्ता अधिका पड़ो, तेणु ये तीन टाक रास्तु मानने रांची झांसी आ अंबिकापुर रास्तार आपण मान सबुठ भल र झांसी रोड माने जोटा हूँ बिलासपुर रोड से आप बेटर रम भी रास्ता रपरेक्ट मैप्रे भी सर्च करेंगे, जदि भावतु भुवनेश्वर रु सर्च करेंगे आप दिल्ली तो सबुठ पाख कम डिस्टेंस वाला रास्ता आसब जबलपुर झांसी रोड माने बिलासपुर रोड। आदि आप रोते बालेश्वर में तो बालेश्वर जदि जवाब चाहते केदारनाथ तो आपण स्वाभाविक कथा झांसीपट रोडटा सॉरी रांचीपट रोडटा भल रो मैंने ब्रह्मपुर साइड जावा चाहते से मानी रोड हूँ आमर बिलासपुर रोड बेटर रेणु मु भिडियोटी बनाऊँगी खास करके झांसी रोड रो। ओके, तो ये मुझे अलरेडी लिस्ट कर देठ के किलोमीटर जाहब केत डिस्टेंस रहीहब, तो ये रोडटा भी मोर प्रायत लद्दाख रोड सह सामान लद्दाख मुझे जो जा हिसाब से मुझे रोड हिं जा तेणु रोड बहुत बेटर मानने आपण को टोटाल जबलपुर रु सगर जो रास्ताटा अच्छी से रास्ता टिके छोट रास्ता रहा आ सब रास्ता पूरा बेटर। ओके, तो ये स्टार्ट कर रोड विषय है तो मु फास्ट स्टार्टिंग पॉइंट रखी बिबेसर आउ एंडिंग पॉइंट रखी केदारनाथ। ओके, तो आप फास्ट जब भुवनेश्वर जाऊँगी बिलासपुर भुवनेश्वर बिलासपुर आपण को दुटा रोड भी आसपार भुवनेश्वर गोटे हूँ भाया आमर कटक है सरी हाँ अनुगुल साइड जो रोडटा से बिलासपुर को जापर आ गोटे रोड है आमर जोटा नयगढ़ साइड रोड देन दुटा रोड अच्छे आपटा चूज करेंगे जो रोड में जवाब चाहिए जापरेंगे। नयगढ़ रोड तो बेटर अच्छे मो हिसाब से कारण आपण को बहुत बहुत पर है गोटे मिनिट हाँ बहुत पर आप टे रास्ता खराब पड़ो देन आउ रास्ता पूरा चकाचक आ फांका रास्ता भी जाम भी एत नुह आप डायरेक्ट बिलासपुर जी बिलासपुर हूँ भुवनेश्वर 520 किलोमीटर। ओके, तो 520 किलोमीटर आप आराम से गोटे दिन कवर करेंगे, जदि 520 किलोमीटर कवर कर पारना तेणु तापूर्व देखिए कौ स्टपेज अच्छे जो भल जगह थी से रहीपर तो मुझे भावी 520 किलोमीटर आराम से कवर करेंगे, जो मैंने राइट रिशार जाऊँच राइट करने जाए 520 किलोमीटर किसी भी नुह आराम से कवर करदे। यहाँ है आपणकर डे वन भुवनेश्वर बिलासपुर, डे टू है आपणकर बिलासपुर टू सागर
ଯେଉଁଟା ଆମର ପଡ଼ୁଛି ସାଗରଟା ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ଟୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯେଉଁ NH ଫୁଲ୍ NH ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବନେଇଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କାଶ୍ମୀର ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ NH। ତେଣୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେତେବେଳେ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର NH। ବିଳାସପୁର ସାଗର ହେଉଛି 475 କିଲୋମିଟର, 475 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ବିଳାସପୁରରୁ ସାଗର। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡେ ଟୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସାଗରର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜବଲପୁରର ପରେ ଆଉ ସାଗରର ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ରହିବ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି, ସେଇ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ, ମାନେ ଖରାପ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବେ। ଏତେ ବି ଭୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ତ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଭୟ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେ ଟୁ ହେଇଗଲା ବିଳାସପୁର ସାଗର। ଡେ ଥ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ସାଗର ଟୁ ଆଗ୍ରା, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଗରରୁ ଆଗ୍ରା ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବି ସାଗରରୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ। ସେଠୁ ଲଳିତପୁର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 70-80 କିଲୋମିଟର ସମଥିଙ୍ଗ ହେବ ବୋଧେ, ଓ ତ ଠିକ୍ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସରି 110 କିଲୋମିଟର ସାଗରରୁ ଲଳିତପୁର। ଲଳିତପୁରରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଆରାମସେ ରହିବାକୁ ବେଟର। ଆଉ ସାଗରରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ହୋଟେଲ୍ ଖୋଜିବେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଲଳିତପୁରଟା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି NH ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ନେବାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଗରଟା ରୋଡ଼୍ରୁ ଭିତରକୁ 5-6 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, କାରଣ ବିଳାସପୁରରୁ ସାଗରଟା ଯେହେତୁ 476 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି, ଆହୁରି 100 କିଲୋମିଟର ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 480 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ରାସ୍ତା, 580-590 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, ଆପଣ ସାଗରରେ ହିଁ ଷ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଟର ରହିବ। ତ ଡେ ଥ୍ରୀ ଆମର ହେଲା ସାଗରରୁ ଆଗ୍ରା। ସାଗରରୁ ଆଗ୍ରା ହେଉଛି 432 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଆଗ୍ରା ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ଝାନ୍ସି ପଡ଼ିବ, ଝାନ୍ସି ଫୋର୍ଟ ଗ୍ୱାଲିୟର ପଡ଼ିବ, ତ ଦୁଇଟା ଜାଗା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଝାନ୍ସି ବୁଲିବେ ତ ବୁଲିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିବ ଝାନ୍ସିରେ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ଆଗ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 432 କିଲୋମିଟର ଲାଗିଯିବ, 432 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହିସାବରେ 9-10 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, ଆପଣ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଇଡ଼୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆମେ କଥା ହେଇଗଲେ ଆଗ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଆଗ୍ରା। ଆଗ୍ରାରୁ ଆପଣ ହରିଦ୍ୱାର ଯିବେ, ତ ହରିଦ୍ୱାର ଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରକୁ ସିଟି ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଇଷ୍ଟ ପେରିଫେରିକ୍ ରୋଡ଼୍ ନା କ'ଣ ଅଛି ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ୍ରାରୁ ହରିଦ୍ୱାର ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ବେଟର୍ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ବାଇକ୍ର ପେ କରିବେ ରୋଡ଼୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ତା'ର ଯେମିତି ଆମର କାର୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରାହେଉଛି ରୋଡ଼୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆପଣ ସେଠି ବି ପେ କରିବେ ବାଇକ୍ର। ତ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ 85 ରୁପିସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ 85 ରୁପିସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଭିତରକୁ ମଥୁରାରୁ ମଝିରୁ ଯାଇଥିଲି। ତ ଆଗ୍ରାରୁ ଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ପାଖାପାଖି 170-180 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯିବ ବାଇକ୍ର ଚାର୍ଜ। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଭଲ, ବଡ଼ ରୋଡ଼, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହରିଦ୍ୱାର ପହଞ୍ଚିବେ, 400 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ହରିଦ୍ୱାର ଆଗ୍ରାରୁ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଆରାମସେ କଭର୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡେ 5 ହରିଦ୍ୱାର ଟୁ ସୋନପ୍ରାଗ, ତ ସେଇଟା ଭାଇ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ପାହାଡ଼। ତ ହରିଦ୍ୱାର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଋଷିକେଶ ଆସିବ, ଋଷିକେଶରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଏବେ ତ ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି ଅପ୍ ଟୁ ସୋନପ୍ରାଗ, ତ ନୁହଁ ଉଖିମଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଚୋଖା, ମାନେ ସାଂଘାତିକ ରୋଡ଼୍ ଅଛି। ତ ଉଖିମଠ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ ରାସ୍ତାଟା ସେଇଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖରାପ ଅଛି, ତ ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ତ ସେଇଟା ଯାହା କିଛି ପାଖାପାଖି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଡେ 5ରେ ଯାଇକି ସୋନପ୍ରାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ହରିଦ୍ୱାର ସୋନପ୍ରାଗ ଆପଣଙ୍କର 233 କିଲୋମିଟର, ଓକେ। ତେଣୁ 233 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସୋନପ୍ରାଗ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ତେଣୁ ସୋନପ୍ରାଗ ପରେ ଆପଣ ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବେ, ସୋନପ୍ରାଗର ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ରଖିଦେବେ ଆରାମସେ, 50 ଟଙ୍କା ସେ ନେବ ଚାର୍ଜ, ସେଠି ବାଇକ୍ ଆପଣ ପାର୍କିଂ କରିଦେବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲଗେଜ୍ ପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଉପରକୁ ନେବେନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ପାଖରେ ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ହେଉଛି ସେଠି ପାଖରେ ରଖିଦେବେ ଲଗେଜ୍ ରୁମ୍ରେ, ସିଏ
पर हैंड बैग गोटा को 50 टाँह लेखे नौ जदि आप सैडल बैग नौ से 100 टाँह चार्ज ने तेनाली 24 घंटा पाए तेणु आप सोनप्रागर के स्टे करें तो मुझे आपको सजेसन दूसरी स्टे न करके आप गौरकुंड पड़े आप बेटर रण जदि से स्टे करेंगे ताबास पुणी सका उठिके आपको जीवा पड़ो गौरकुंड गौरकुंड को पुणी से जो टैक्सी जाए बहुत जाम रेठू पुणी आप गला केदारनाथ बहुत लेट हो तेणु सबुठ भल हरिद्वार सोनप्रागर पहुँचला सोनप्रागर आप बैक पार्किंग करेंगे आप लगेज सब लकर रखिए जहाँ आपंकर नहीं कथा धरिकी डायरेक्ट चलिए गौरकुंड गौरकुंड नाइट स्टे करेंगे ओके गौरकुंड नाइट स्टे देन ताशी दिन आप मॉर्निंग रु बाहर जब आप चाहूँ चलिकी जावाई तो मुझे हिसाब से 3 टा रु 4 टा भितर आदि बाहरी पड़े आप आराम से जा गोटे भितर पहुँचे केदारनाथ में जब चलिकी जा तो जदि आप घोड़े भी जाऊँगी 5टा 6टा भितर बाहरी पड़े से 4 घंटा रु 5 घंटा भर नहीं कि आपको केदारनाथ में पहुँचेदेव जदि घोड़े जा 6टे बाहर 5 घंटा मैंने आप 12टा भितर कंपलसरी पहुँचे आदि चलिकी जा राति 3टा रु जी तो निहाती दिन गोटे कि 2टा होचल केदारनाथ तो सही आपर डिपेंड आप घोड़ा जी ना चलिकी जी ना हेलिकप्टर जी हेलिकप्टर तो गले आप जस्ट 10-15 मिनट जा रिटर्न भी करेंगे तेणु सेटा है आपण डिपेंड तो डे 6 आप केदारनाथ में रे केदारनाथ में गोटे नाइट स्टे करेंगे तो तार भी गोटे अलग भिड मुझे बनईदेवी आपठी रही केमी कौन करेंगे सीटा मुझे गोटे अलग आउ गोटे भिड बनैबी यहाँ ओनली खाली रोड भिड गलापर आप केदारनाथ में आप नाइट स्टे कले डे 6 नाइट स्टे करापे पुणी आप सन्धार जा ठाकुर दर्शन करेंगे तार गोटे टाइम लिमिट रही से भितर आप दर्शन करेंगे ना पुणी पहनी पड़ कबाट बंद है मानने दर्शन करें से दिन तापर दिन को वेट करेंगे नेक्स्ट डे डे आप 7 डे 7 आप केदारनाथ सका पुणी जा दर्शन करने को कहूँ यहाँ मन रखत आप सका 5टू बाहर जमी जी मंदिर को जदि आप 7-8टे जा तो आप दर्शन सरला निहाती दिन 10टा जदि आप 7टा बेलू जी तेनालीराम 5टा 4:30 5टा 6टा भितर सरी 6टा नुह 5टा भितर आपड़ जा पहुँचे आपंकर घंटे 1.5 घंटा भितर आप आराम से दर्शन हो कारण से टाइम छोट लाइन टा लगी थाए तो आप सीरीयल पड़गले बहुत जल्दी पहुँचे जदि लेट करदे तो एत बड़ सीरीयल एत बड़ लाइन लगे तो आप बिलिव भी कर देखिक आप ठिया भी थंडा लगुव से जगह बहुत विरक्ति लगे आपन को जब कन्स्टाट देखिए 400 लोक ठिया होती लाइन में तो आप माइंड से बुलू थो 400 लोक केत गले जा दर्शन करेंगे तेना सब बेटर आप सका सका बाहर पड़े 5टा भितर बाहर मानने सका 5टा 5टा बाहर जा लाइन में लगे लाइन ठिया हो पड़े आप आराम से दर्शन करदे दर्शन करके आप जदि से बुलाबूली करेंगे बुलाबूली करटर्न करेंगे 11टे तो आप जदि केदारनाथ रु दिन 11टा कि 12टे रिटर्न कर आसिकी सोनप्रायग पहुँचला निहाती जदि चढ़ा टाइम 10 घंटा लगे ओह टाइम 8 घंटा लगे तेनाली से बाहर 11टे आप हिसाब कर दिखाँ केत घंटा अच्छे आप अवश्य गोटे जिनस जेहतु बैक जाए भय ना जदि बस तो आपको निहाती आसिकी सोनप्रायग संध्या 6टा 7टा भर पहुँचा पड़ा जब बस जाऊँगी तो आपने बैक जी एत टेनसन ना आप राति 8टा पहुँचल किसी प्रोब्लेम ना रास्ता भी किसी खराब ना तेणु डे 7 आप गौरकुंड न रहीकि डायरेक्ट सोनप्रायग पड़े आसे सोनप्रायग नाइट स्टे करेंगे ओके डे 7 डे 6 आप रे केदारनाथ नाइट स्टे डे 7 आप ओबे ओल्लि सोनप्रायग नाइट स्टे करेंगे ओके ये होगा टोटाल केदारनाथ पर्यटन तेणु आपण मानकर जदि बद्रीनाथ जबार अच्छी तो से रूटा मुझे आड करदी जदि बद्रीनाथ जबार आपर ना तो जो रोड में जाइंटे रोड पुणी रिटर्न करदे केदारनाथ डायरेक्ट आप जो रोड गले से रोड आसवे ना आप डायरेक्ट लखनऊ रोड भी आसपारे कि मो हिसाब से जो रोड जाइंटे से रोडा बेटर रोक तो
आपण जदि जाउछन्ति बद्रीनाथ तो बद्रीनाथ जदि जाउछन्ति तो आपण को सोनप्रयाग रु बद्रीनाथ हो 225 किलोमीटर भाया सेटा होची रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग साइड रे आपण माने जदि जाउछन्ति बद्रीनाथ तेणु आपण को रुद्रप्रयाग आसा पड़े रुद्रप्रयाग रु कर्णप्रयाग कर्णप्रयाग रु आपण बद्रीनाथ जाय परिवे सेटा हला गोटे रोड आ गोटे रोड हला आपणकर चोप्ता जोटा कि तुंगनाथंकर तुंगनाथ महादेवंकर जोटा मंदिर अच्छे चंद्रशिला जोटा हाईएस्ट पिक पॉइंट अच्छी तो सेटा को जदि आपण माने जिबा चाहन्छन्ति चोप्ताटा आपण को टिके कम रास्ता पड़िबो जदि सोनप्रयाग रु बद्रीनाथ कर्णप्रयाग आ रुद्रप्रयाग साइड रे जाउछन्ति जदि आपण 225 किलोमीटर पड़ुछि चोप्ता रोड गले आपण 210 किलोमीटर पड़िबो किंतु कह दउछि रिक्स अच्छी रिक्स माने पूरा जंगलटा बहुत हाइट जंगलटा तेणु सेटा आपण को डिपेंड आपण माने जानथियो तो मोटा माने माने मन रखी था कि भय करते जे से चोप्ता रोड ही बाघ आसी फ्रंट को मोर तो से मेमोरीटा मुझे भूली पार नहीं एत मान ये सिचुएसन होता मु मानने फास्ट टाइम मो फ्रंट्रे बाघ देखी थी जहाँकि खोला अवस्था तेणु जदि आप चोप्ता जावा चाहते टी दिन बड़े टाइम जावास करें रात टाइम अवॉइड करेंगे नाइट राइड टोटाल अवॉइड दिन बेले जब जी चोप्ता होती आप बेटर रहा आ गए प्लेस आप आड हो जदि आप चोप्ता जावा चाहते डायरेक्ट बद्रीनाथ तो सोनप्रयाग रु बद्रीनाथ जावाक आपको रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग आसा पड़ो से आप डायरेक्ट बद्रीनाथ जी तो मुझे चोप्ता विषय कहूनी डायरेक्ट बद्रीनाथ विषय कहूँ तो आप सोनप्रयाग रु बद्रीनाथ 225 किलोमीटर आप पहुँचगले तो बद्रीनाथ से नाइटे करेंगे बद्रीनाथ नाइटे करके आदि मंदिर जाते कारण आप पहुँचला बेलू सन्या सतटा आठटा हो जाए तो आद मंदिर गले भी दर्शन करें सब भल डे 9 आप बासी दिन बद्रीनाथ जा ठाकुर दर्शन करूँ बा बद्री विशाल तो जहाँकि मन को बहुत शांति लगे से जगह दर्शन कले तो बद्रीनाथ सका सका दर्शन करूँ डे 9 दर्शन कर सारिक आप भिलेज ना हूँ माणा तो आम जोटा देखुचे मन कहचे से सेपटे लोकाल एरिया से कहते माणा ओके तो आपठ बद्रीनाथ ठाकुर दर्शन करके आपणा भी बुलाक जी से पाखे 2 किलोमीटर पाख हम तो आप आराम से बुलाबूली करूँ आप रिटर्न करूँ कर्णप्रयाग आप डायरेक्ट बद्रीनाथ रू भी नैनीताल आसपर कि आपन को एत लोड भी दौनी मान आपन को सर्ट करदे ये रास्ताटा जे आप जेहेतु बद्रीनाथ टेम्पल बुलेबे आ माणा भिलेज बुलेबे दुटाक जगह बुलिए मैंने आप टाइम कम तो जदि से बुलाबूली करके आप 12 बाहर 12 बाहर कर्णप्रयाग आपको 2 घंटा 3 घंटा लगे 122 किलोमीटर हूँ कर्णप्रयाग आप बद्रीनाथ रु कर्णप्रयाग डायरेक्ट पलि आसवे ओके 12 बाहर आप 3 भर आसिक पहुँचे तापर है डे 10 आप कर्णप्रयाग रु डायरेक्ट नैनीताल कर्णप्रयाग रु नैनीताल पाख हो गला आप डिस्टेंस जदि बद्रीनाथ रु आसी था पाखापाखि पड़ जाता 210 किलोमीटर तो एमती 210 नुह 310 किलोमीटर हो जाता तो एमती आपको यहाँ डिवाइड होगा 2 डेज हो गला कर्णप्रयाग रु नैनीताल 190 किलोमीटर 6 घंटा खंडे लगे बेस ना 5 रु 6 घंटा लगे आप आराम से आसिक नैनीताल पहुँचे इवनिंग टाइम भी नैनीताल बुले पारे जदि मानने सूर्य अस्त हो पूर्व आसिक पहुँच पारे नैनीताल भी आप बोटिंग फोटिंग करेंगे जहाँ भी बुलाबूली करेंगे आराम से किसी प्रोब्लेम ना तो यहाँ है डे 10 आप कर्णप्रयाग टू नैनीताल डे 11 है नैनीताल टू लखनऊ डायरेक्ट नैनीताल लखनऊ हूँ 384 किलोमीटर आए भी हूँ पूरा रास्ता NH रास्ता खराब ना पूरा फुल NH तो सही आप डायरेक्ट आसवे लखनऊ लखनऊ में आसिक 384 किलोमीटर पहुँचगलापर आप लखनऊ वाराणसी आसवे जेहेतु जा रईड तो करो जेहेतु बाहर जा रईड जेहतु करम से बुलाबूली करके आसवे तो आप नैनीताल रु लखनऊ 384 किलोमीटर आसे लखनऊ टू वाराणसी मानने से आप डे 12 लखनऊ रु वाराणसी 313 किलोमीटर आगे आपन को 5 घंटा भितर लगे बेस लगे रास्ता पूरा चिकणिया रास्ता आबे तो जेहेतु आम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से रास्त आस तो पूरा रास्ता पूरा एक क्लास तो सी हूँ लखनऊ रु वाराणसी 313 किलोमीटर आप आसिक वाराणसी स्टे करेंगे नाइट मान इवनिंग टाइम आप दर्शन भी करेंगे वाराणसी आप ज्योतिर्लिंग अच्छे सबुठ मान सर्वश्रेष्ठ
केदारनाथ पर होती सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग तो आराम से दर्शन करेंगे। तो यहाँ है आपंकर डे 12 डे 13 आप रही वाराणसी टू रांची 432 किलोमीटर आराम से गोटे दिन कवर करेंगे। तो आप गला रास्ता कवर कर मैंने रिटर्न कराया टाइम आपको लगे मुझे आहरी अधिक बाट पड़ेगी कारण रिटर्न कराया टाइम मन में आसो घर को मुझे जल्दी जाए पहुँची। तो वाराणसी रांची हूँ 432 किलोमीटर आईटा है आपंकर डे 13 तो आराम से आसिक रांची रेल डे 14 आप रांची भुवनेश्वर आराम से पड़े आस 476 किलोमीटर आईटा है आपंकर एंड एंट्री कले भुवनेश्वर रु एंड भी आस भुवनेश्वर तेणु आपंकर टोटाल किलोमीटर डिस्टेंस में कहीदी कैलकुलेट करके आवरेजा आप बुलाबूली एक्सट्रा कर जहाँ एक्सेस हम तो आपंकर 4203 किलोमीटर टोटाल भुवनेश्वर टू केदारनाथ एंड बद्रीनाथ एंड भुवनेश्वर 4203। तो मुझे टाइम से 4200 किलोमीटर होता तो ओनली बद्रीनाथ को तो बद्रीनाथ केदारनाथ से पाखापाखि तेणु सेम ही रास्ता हो 100-200 किलोमीटर जहाँ पट सेपट रेणु यहाँ थी आपर रोड भिडियो जोटा आपने से हिसाब से भिड बनई आडियोर डेस्क्रिपन तले भी मुझेदेवि पूरा रोड बै रोड पूरा डिटेल्स पूरा लिखिदेवि कौटी कौन नाइट स्टे करेंगे कौन कर मैं सरी नाइट स्टे नु कौटी की जी कौन के किलोमीटर हम टोटाल यार टोटालटा मुझे डेस्क्रिपन देदेवि यहाँ है भुवनेश्वर रु बिलासपुर रोड यहाँ मत मो हिसाब से बेटर तो ये रोडटा पूरा टोटाल डेस्क्रिपन देदेवि। तो जदि आपको भिड भल लगेगा तो लाइक करेंगे जब भिड भल न लगे लाइक भी न करती आदि मोर मानने कहवा शैली आदि ठीक से बुझी पार्टी आप सब्सक्राइब करा चाहते सब्सक्राइब करेंगे जब चाहूना भी करूँ किसी फोर्स ना आपण हिसाब से आपणकर उपर डिपेड आप चाहिए से करूँ। ओके ये रखुच्छी आप नेक्स्ट वीडियो पे बर्तमान चलो प्रिपेरेशन नेक्स्ट वीडियो जहाँ अच्छे सब सीटा चलो रखुच्छी गुड नाइट।